डियर स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की पिछली प्रेजेंटेशन के कंटिन्यूशन में अब हम लोग आयन सोर्स या आयनाइजेशन चैम्बर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो मेथड्स हैं आयनाइजेशन के वो क्या क्या हैं, और आज हम लोग इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन मेथड को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आयनाइजेशन चैम्बर या आयनाइजेशन सोर्स जो होता है, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रोसीजर था उसमें ये सेकेंड कंपोनेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसमें हम देखते हैं बेसिकली कि जो अलग अलग आयंस थे उनका आयनाइजेशन होता है और फिर फ्रेगमेंटेशन होता है। तो आयनाइजेशन चैम्बर में बेसिकली जो हमें पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि आयनाइजेशन चैम्बर में फ्रेगमेंटेशन और आयनाइजेशन, सबसे पहले आयनाइजेशन होगा उसके बाद फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होगा। तो अगर सैंपल इनलेट सिस्टम में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सैंपल इनलेट सिस्टम में जो सैंपल होता है उसको हम वोलेटाइल फेस में लेके जाते हैं, गैस फेस में लेके जाते हैं, और उसके बाद उसे आयनाइजेशन चैम्बर में पास कर दिया जाता है, मूव करा दिया जाता है। तो आयनाइजेशन जो प्रोसेस है अलग अलग जिन अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन होता है, इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करा जाता है। ये जो दो कैटेगरीज हैं हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें जो दो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अब हम डिटेल में देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें है गैस फेस आयनाइजेशन मेथड। तो गैस फेस आयनाइजेशन मेथड में सैंपल हमें सैंपल इनलेट सिस्टम से गैस फेस में चाहिए होता है। तो यहाँ पे इनलेट सिस्टम की इंपॉर्टेंस होती है। इनलेट सिस्टम में कुछ हीटिंग सिस्टम होगा जिसकी वजह से वोलेटाइल सैंपल जो होगा, चाहे लिक्विड हो सॉलिड हो, अगर गैस में तो ऑब्वियसली वो वोलेटाइल फेस में होगा तो उसको एस एच पास कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जो हमारा कंपाउंड है जो जिसका हमें एनालिसिस करना है वो लिक्विड या सॉलिड फेस में होगा तो उसको हमें पहले वोलेटाइल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें हीटिंग करानी पड़ेगी। तो ये वाला जो मैथड होते हैं, जो गैस फेस आयनाइजेशन मैथड्स होते हैं, ये मैथड्स वहाँ पर यूज़ करे जाएंगे जहाँ पर जो सैम्पल है वो वोलेटाइल होगा। तो नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि सैम्पल का क्या होना, वोलेटाइल होना। और जो दो बेसिक मेथड है गैस फेस जो मेथड है वो है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंड केमिकल आयनाइजेशन। इसके बाद जो दूसरा मेथड है, जो दूसरी क्लास है यहाँ पे आयनाइजेशन प्रोसेस की, यह है डिसॉर्प्शन बेस्ड मेथड्स। डिसॉर्प्शन बेस्ड मेथड्स में हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स कंपाउंड जो होते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं। इसमें हम हाई एनर्जी पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं सॉलिड फेस में, जो हमारा कंपाउंड होता है उसको हम किसी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब कराते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी पार्टिकल डालते हैं जिससे जो जब बम्बार्ड करता है उस कंपाउंड के साथ, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है या जो सैंपल होता है वो वेपर फेस में आ जाता है, यानी उसका डिसॉर्प्शन हो जाता है। तो इसलिए इन मेथड्स को हम डिसॉर्प्शन मेथड्स बोलते हैं। इसके साथ ही एक और तरीके का आयनाइजेशन होता है ESI मेथड्स। ये मेथड्स हम लोग अभी बाद में देखेंगे, नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशंस आएंगी उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको। एक बार फिर से देखते हैं गैस फेस आयनाइजेशन जो होता है, इसमें सैंपल जो होना चाहिए वो वोलेटाइल फेस में होना चाहिए, और वोलेटाइल फेस में होगा तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें सैंपल इनलेट सिस्टम चाहिए होगा। तो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर जिनमें हमें गैस फेस आयनाइजेशन कराना है, यानी सैंपल अगर हमें वोलेटाइल चाहिए तो सैंपल इनलेट सिस्टम भी चाहिए होगा। जबकि अच्छा, इसमें एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंड केमिकल आयनाइजेशन। इसके बाद डिसॉर्प्शन बेस्ड आयनाइजेशन मेथड्स थे जिसमें बेसिकली नॉन वोलेटाइल सैंपल चाहिए होगा, तो उसका वोलेटाइलाइजेशन जो होगा ये इसके आयनाइजेशन चैम्बर में ही होगा। वोलेटाइलाइजेशन जो होगा ये आयनाइजेशन चैम्बर में ही होगा, और इसके बाद सैंपल इनलेट सिस्टम इसमें जरूरत नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो मेथड्स है हमने अभी बताया था, फैब, माल्डी और सेम्स, ये सब डिटेल में अभी हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन मेथड देखने जा रहे हैं। तो ये कॉमनली यूज्ड मेथड है जो जनरली मास स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज करा जाता है,
और इसमें होता क्या है कि हाई बीम ऑफ हाई एनर्जी बीम जो होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको बम्बार्ड कराया जाता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, ये प्रोड्यूस करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिलामेंट। टंगस्टन का फिलामेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो जब हीट करा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग जाता है, एमिट करने लग जाता है, और जितना ज्यादा हम हीट करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एमिट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सैंपल मॉलिक्यूल्स जो कि सैंपल इनलेट सिस्टम से आ रहे होते हैं उस पर ये बम्बार्ड कराया जाता है। जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं, तो इससे हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि ये इधर ये सैंपल इनलेट सिस्टम है, यहाँ से सैंपल मॉलिक्यूल्स को प्रोपेल करा जा रहा है इस तरफ, और यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स हैं जो डायरेक्ट कर रही हैं आयंस को। तो जैसे सैंपल मॉलिक्यूल्स इधर आए यहाँ पर, तो ये एक फिलामेंट है जिसको हीट करा जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको यहाँ पर इस रीजन में मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं और इलेक्ट्रॉन स्कैटर ना हो इधर, तो इधर एक यहाँ पे एनोडिक प्लेट लगी होती है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। अब जो मॉलिक्यूल्स यहाँ फॉर्म होते हैं, सॉरी जो मॉलिक्यूलर आयंस यहाँ पे फॉर्म होंगे आयनाइजेशन के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन उनसे टकराया है, तो आयनाइजेशन होगा। कैसे होता है मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो ये आयनाइजेशन होगा यहाँ पे, अब जो आयंस फॉर्म होंगे वो इधर उधर जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक रिपेलर प्लेट लगी होती है, यानी जो आयंस फॉर्म हुए पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, तो ये जो प्लेट होगी ये भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, ये इन आयंस को आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ धकेलेगी। अब यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगी होती है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिनको हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। ये जो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज आयंस को आगे की तरफ धकेलती हैं और इन्हीं आयंस को कुछ सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये भी अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी हर एक आयन की वो बराबर होगी, और जब आयंस यहाँ से एनालाइजर की तरफ मूव करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन देयर मास उन सबकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन चैम्बर का। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिलामेंट टेम्परेचर से कंट्रोल होंगे, और जो पोटेंशियल हम यहाँ पे लगा रहे होंगे उससे यहाँ पर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कंट्रोल करी जाएगी। अब जैसे मैंने बताया था कि जब जो आयनाइजिंग जो हम इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करा रहे हैं उनकी एनर्जी अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो यहाँ पर जब जो इलेक्ट्रॉन्स को हम बम्बार्ड करा रहे हैं उनकी एनर्जी अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे इस तरह से आयनाइजेशन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा, जब हाई एनर्जी मतलब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल पर डाला जाएगा, बम्बार्ड कराया जाएगा, तो उस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि बम्बार्डमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा देते हैं, से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयनाइजेशन तो होता ही है, साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है। सो डिफरेंस क्या है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स, लो एनर्जी मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बम्बार्ड कराएंगे मॉलिक्यूल पे, तो सिर्फ आयनाइजेशन होगा। लेकिन अगर हम 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराएंगे अगर, तो मॉलिक्यूल के जो एक्सेस ऑफ एनर्जी थी वो मॉलिक्यूल के पास आ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल एनर्जी जो थी ये बढ़ जाएगी, और जो वीक बॉन्ड्स होंगे मॉलिक्यूल में वो टूट जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो पहले आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड करी गई जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन था उससे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फिलामेंट पोटेंशियल वेरिएबल होता है, तो उसकी हेल्प से हम लोग फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करा जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के पास भी ज़्यादा एनर्जी उसे मिलेगी जब कोलिजन होगा इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और तब फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस भी ज़्यादा हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है जो एक्सटेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द फिलामेंट पोटेंशियल। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एनर्जी प्रोवाइड करता है एसिलेटिंग प्लेट्स, जो अभी मैंने बताया था जैसे कि, तो एसिलेटिंग प्लेट्स का कुछ पोटेंशियल होता है जिसके हिसाब से अलग अलग जो आयंस होते हैं उन्हें एनर्जी मिलती है। तो जो टोटल एनर्जी किसी कोई एसिलेटिंग प्लेट जो प्रोवाइड कराती है वो होता है ई वी, यहाँ पे जहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा और वी जो होगा पोटेंशियल होगा एसिलेटिंग प्लेट्स का। इसके बाद क्योंकि अलग अलग आयंस जो हैं उनका मास ऑब्वियसली अलग अलग होगा, तो यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन होल्ड करेगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी एसिलेटिंग प्लेट से अलग अलग आयंस को मिल रही है वो काइनेटिक एनर्जी की होगी। तो जैसे एम वन आयन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगी, ई वी के, जो यहाँ से एसिलेटिंग प्लेट से उसको एनर्जी मिल रही है। तो जितने भी आयंस होंगे उन सबकी एनर्जी इसी तरह से होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ई वी है ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो अलग अलग आयंस हैं उनका मास अलग होगा, जैसे M1 अलग होगा M2 अलग होगा, तो इसकी वजह से उनकी वेलोसिटी में भी डिफरेंस आएगा। अगर M1 ज़्यादा होगा M2 से तो V1 जो होगा कम होगा V2 से, क्योंकि ये आपस में M1 मास और वेलोसिटी जो है ये आपस में इन्वर्स रिलेशन में। तो जैसे मैंने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आयंस की ये सेम है, तो डिफरेंट आयंस का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, तो उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे इन आयंस को सेपरेट करा जाएगा एनालाइजर में। तो जो आयनाइजिंग चैम्बर है या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन जो हम देख रहे हैं, इसमें जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं उनको काइनेटिक एनर्जी भी यहीं से मिलती है, इसलिए इसको हम इस पार्ट को हम यहीं पर देख रहे हैं। अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड जो था उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो सैंपल मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होते या कुछ आयनाइजेशन के बाद फ्री रेडिकल्स बनते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको वैक्यूम पंप की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। वैक्यूम पंप की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पहले पिछली प्रेजेंटेशन में देख ली थी। इसके बाद इट माइट बी पॉसिबल कि सैंपल मॉलिक्यूल जो था वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले और नेगेटिव चार्ज आयंस बन जाए। तो नेगेटिव चार्ज आयंस भी रिपेलर प्लेट्स पे, क्योंकि मैंने बताया था रिपेलर प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, तो नेगेटिव आयंस को भी हम हटा सकते हैं फ्रॉम आयनाइजेशन चैम्बर। दूसरा, ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, जैसे मैंने पॉइंट में भी दे रखा है कि अगर हम ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराएंगे तो जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होगा वो ज्यादा एफिशिएंटली होगा और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा, जिसकी वजह से जो मास स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा उस मॉलिक्यूल का। थैंक यू।